आपलं जे मनोगत व्यक्त केलं बेजवाडा विल्सन यांनी ज्यांनी राज्यकर्ते न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह आणि आपले डोळे आपलं हृदय आणि आपलं तोंड उघडण्याचं जे आवाहन केलं आहे त्यातली तळमळ निश्चितपणे आपल्यापर्यंत पोचलेली आहे आता आपण कार्यक्रमाचा जो दुसरा भाग आहे तो म्हणजे आजचा आज जो मेरी पाटील स्मृती पुरस्कार दुसरा मेरी पाटील स्मृती पुरस्कार तो आपण ज्यांना देणार आहोत त्या सोनी सोरी यांचा थोडक्यात परिचय मी आपल्याला करून देतो छत्तीसगडमधील दक्षिण बस्तरमधल्या दंतेवाडा इथल्या समेली गावात शिक्षिका म्हणून कार्यरत असणाऱ्या आणि या प्रदेशात माओवादी चळवळ आणि पोलीस प्रशासन यांच्यामधला जो संघर्ष आहे त्यात जे भरडले जात आहेत अशा सर्वसामान्य आदिवासी जनांच्या विशेषतः ज्या मुलांचे पालक आ, पोलीस आणि नक्षली यांच्या यांच्याकडून मारले गेलेत त्यांच्या हक्कासाठी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्या आहेत ज्यांना स्वतःला दोन हजार अकरामध्ये दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आणि पोलीस अत्याचार आणि विविध आरोपांखाली भरले गेलेले खटले यांना तोंड द्यावं लागलं त्यांच्यावर भरलेल्या आठ खटल्यांपैकी सहा खटल्यांमध्ये न्यायालयानं त्यांची मुक्तता केलेली आहे पुराव्याअभावी आणि आदिवासींच्या शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या कार्याचा सन्मान आज आपण मेरी पाटील स्मृती पुरस्कारानं करत आहोत मी प्राध्यापक छाया पिंगे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या सन्मानपत्राचं वाचन करावं सन्मानपत्र या पुरस्काराचं स्वरूप आहे या पुरस्काराचं स्वरूप आहे प रुपये पंचवीस हजार रोख सन्मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह प्रदान करून आपण त्यांचं माननीय अध्यक्षांच्या हस्ते सन्मान करणार आहोत त्यापूर्वी सन्मानपत्राचं वाचन करावं अशी विनंती मी प्राध्यापक छाया पिंगे यांना करतो नमस्कार सन्मानपत्र सादर करते सन्मानपत्र सोनी सोरीजी सादर अभिवादन आपका जन्म समेली गाव जिल्हा दंतेवाडा छत्तीसगड में हुआ आपका परिवार राजनीतिक चेतना से संपन्न परिवार है आपके पिता गांव के सरपंच और चाचा सी पार्टी के विधायक रहे हैं आपकी पढ़ाई गांधीवादी परिवेश में हुई पढ़ाई पूरी करने के बाद आप आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने में जुट गई लेकिन उसी समय आदिवासियों की ज़मीनें बड़ी कंपनियों को देने के लिए सरकार ने सलवा जुडुम नामक अभियान चलाया इस अभियान में आदिवासियों के गांव खाली कराने के लिए घरों को आग लगाई गई आदिवासी महिलाओं से आदिवासी महिलाओं से सुरक्षित बलों ने निर्मम अत्याचार किए और हजारों निर्दोष आदिवासियों को जेलों में ठुसा आपने आदिवासियों पर हुए सरकारी अत्याचारों का विरोध किया फलस्वरूप पुलिस ने आपके पति अनिल पर फर्जी मामले बनाकर कारागार में डाल दिया बाद में कोर्ट ने अनिल को निर्दोष माना लेकिन रिहाई के दिन पुलिस ने अनिल को इतना मारा कि वो कोमा में चले गए और कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया पुलिस ने आपको और आपके पत्रकार भतीजे लिंगा कोड़ोपी पर भी फर्जी मुकदमे दायर किए आप पर पुलिस थाने में झूठे कागजों पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला गया और अरुंधति रॉय और हिमांशु कुमार जैसे बुद्धिजीवियों को नक्सली बताने को कहा गया लेकिन आप पुलिस के दबाव के सामने नहीं झुकी आपको ढाई साल जेल में रखा गया सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा होने के बाद आपने आदिवासियों के मानवाधिकारों के लिए काम करना जारी रखा आपने आदिवासी बाड़ियों में घूम घूम कर ऐसे बच्चों को खोज निकाला जिनके माता पिता पुलिस या नक्सलवादियों के द्वारा मार दिए गए थे ऐसे बच्चों को आपने अपने स्कूल में पनाह दी सरकार ऐसे बच्चों के खाने कपड़े के लिए पैसा नहीं देती थी आपने अपने वेतन के पैसों से उन बच्चों की शिक्षा जारी रखी आपको सामाजिक साहस हेतु दिल्ली का संतोष कोहली तथा समाज सेवा हेतु कुंती पुरस्कार कुंती माथुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हम आपकी संघर्षमय जीवन यात्रा तथा सेवामयी वृत्ति से अभिभूत है आप अटूट संघर्ष की एक अनोखी मिसाल है आपके कारण आदिवासी बच्चों के जीवन में ज्ञान का आलोक फैला हुआ है और आप ही के कारण उनका भविष्य उज्जवल मार्ग पर अग्रसर हो रहा है आपके इस गरिमामय कार्य के लिए इस वर्ष का दूसरा मेरी पाटिल स्मृति पुरस्कार प्रदान करते हुए हमें अपूर्व हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है धन्यवाद माननीय अध्यक्षांना मी विनंती करतो की त्यांनी श्रीमती सोनी सोरी यांना पुरस्कार प्रदान करावा सन्मान पत्र आणि शाल तसंच एक सन्मानचिन्ह आणि रुपये पंचवीस हजार रोख असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे Uh, ज्यांना या पुरस्कारानं सन्मानित केलं आहे त्या श्रीमती सोनी सोरी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं श्रीमती सोनी सोरी मेरी पार्टी ये जो सम्मान मेरी इस स्मृति का जो सम्मान मुझे दे के इस तरह मेरे एक सौभाग्य की बात है और यीशु पटेल को बिताए दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ लेकिन मैं इस सम्मान के दौर पे मैं कुछ जो चीज़ें बीती हैं कुछ कहना चाहूँगी पर मैं एक शिक्षिका तो थी ज़रूर पर शिक्षिका ने आज सरकार ने मुझे एक टीचर भी बनने नहीं दिया उस शिक्षिका को एक देशद्रोही और नक्सलवादी बना दिया और इस तरह से मेरे को आज जेल में डाला लेकिन आखिर एक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है इस देश के लिए और इस मानी शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि और शिक्षा के बिना कोई विकास भी नहीं हो सकता ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जिस जगह पे मैं छत्तीसगढ़ के उस चौरे पर जहाँ समेली गांव है और उस जंगल एरिया में जहाँ नक्सलों के बीच में उस गांव के बीच में हम एक टीचर बन उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किए कहीं ना कहीं आज इस सम्मान से मुझे वो कमियाँ महसूस हो रही है क्योंकि जिन बच्चों को हमने लाया था पढ़ाने के लिए और अपने हॉस्टल में पना दिए थे उनको रखा गया था वो बच्चे इतने तरस्त हो चुके थे सलवा जुड़म और जब सलवा जुड़म और ये पुलिस के बीच की, की जो लड़ाई के चलते उन बच्चों के किसी का पिता छीन गया था किसी का माता पिता दोनों छीन गए थे और गांव में तो आग लगा दिया गया था उनके घरे भी उजड़ गया था उस स्थिति में उन बच्चे वो बच्चे जंगलों में रह करते थे जब हमें पता चला कि वो यहाँ की उस इलाके के जो जगर के क्षेत्र के कई बच्चे ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं तो एक मैं टीचर होने के नाते और एक मैं आदिवासी होने के नाते मुझ में एक दर्द हुआ कि आखिर उन बच्चों को ऐसे जंगल में क्यों रह रहे हैं तो मैं उनके लिए चालीस पैंतालीस किलोमीटर पैदल चल के हम उन बच्चों को वहाँ से ले आए थे और उनसे ये कह के लाया गया था जब उन बच्चों को हम जंगल से निकाले और एकजुट किए तो उस समय पचास बच्चे हमको मिले तो जब उन बच्चों को ले जब आने की बात की तो बच्चे हमसे एक ही सवाल पूछे थे बोले मैडम आप ले तो जा रहे हैं हमको लेकिन वापस हम आएँगे कहाँ क्योंकि हमारे पास तो घर भी नहीं है ना ही हमारे माता पिता भी नहीं हैं हमारे माता पिता को तो ये इस तरह से मार दिया गया है लेकिन हम वापस कैसे आएंगे तो हम रहने के लिए जगह नहीं है तो क्या आप हमेशा अपने साथ रखोगे तब हम उन बच्चों से एक बात कहा था कि तब तक हमको आपको शिक्षा देंगे जब तक कि आपके आत्मे में कलम होगी और आप अब ख़ुद आत्मनिर्भर बनोगे इस तरह से उन बच्चों को लेके हम आए और उनसे वादा करके लाए और बच्चे बहुत खुश थे और हमारे आश्रम में पढ़ रहे थे लेकिन सरकार ने इस तरह से उनको लगा सरकार को कि ये क्यों आखिर एक नक्सल जैसे प्रभावित क्षेत्र में भी इतने अच्छे स्कूल चला के एक बच्चों को शिक्षा दे रही है लेकिन उनको इन आदिवासी को शिक्षक हो उसको उस आगे बढ़ाने के सिवा ऐसा उनका मनसा था ही नहीं वो तो चाहते ही नहीं है आदिवासी बच्चे पढ़े और एक हक और अधिकार की बातें जाने ये कभी ना चाह सरकार ने तो वो बच्चों को क्या इस तरह से हम ला लाए जरूर फिर लगातार वो मेरे पीछे पड़ गए कभी ये बोलते थे कि ये उस जंगल इलाकों में कैसे टीचर का, का काम कर रही है वहाँ इतना उसको क्यों डर नहीं लगता है आप लोगों में ये भी बताना चाहती हूँ साथियों जब एक शिक्षा के आड़ पे जब हमारे हॉस्टल में माओवादी आए पंद्रह अगस्त के दौरान उन्होंने बोला आके थी हम इस जगह पे हम काले झंडा फहराएंगे तो उस समय भी हमने विरोध किया तो हमने कहा कि हम काला झंडा को तो फहराने नहीं देंगे हम ये तिरंगा झंडा ही फहराएंगे क्योंकि यही हमारा भारत देश का झंडा है तो बोले कि नहीं अगर ज़्यादा जिद करोगे तो हम मार भी देंगे तो हमने बोला कि इतने इस झंडे के लिए कई लाखों शहीद हुए हैं तो क्या झंडा के लिए क्या हम भी अपनी जान नहीं दे सकते उसके बाद कुछ देर के बाद वो अपने लीडरों के पास हमको पकड़ के भी ले गए तो उस समय हमारा और माओवादी के पीछ उस समय मुझे एक विश्वास आया कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है और एक ताकत की चीज़ है क्योंकि जब हमारी वार्तालाप हुई विचार विमर्श हुआ तो हमने उनसे ही सवाल पूछा था कि आप ये बताइए इस इस तिरंगा झंडा को उतार के आप काला झंडा फहराना चाहते हैं तो आप किस क्रांतिकारी को मानते हैं किसे आप लोग मानते हैं तो बोले भगत सिंह ने तो हमने कहा भगत सिंह भी तो इस इस झंडा के लिए अपने आप को वो किए हैं इस देश के लिए किए हैं तो इस तरह से हमारी बात विचारों में उनसे मेरी बायस हुई लेकिन अंत में हमने तिरंगा झंडा पहराया और काले झंडा पहराया नहीं पहराया उसके बाद भी देखिए फिर भी सरकार को इस तरह से हम पे सकता और जब मेरी मेरे को दुख इस बात की आज लगती है वो जो पचास बच्चे ठीक है हम दे अम अगर इस तरह अपराधी थे या नहीं थे ये तो बात की बात है हम जब अरेस्ट होने के बाद पता है वहाँ जाके पुलिस ने क्या किया उस आश्रम को चारों तरफ घेर के बच्चों को बुरी तरह मारे छपरासियों को इतना मारे कि वो कोई मतलब वो छपरासी इतने घायल अवस्था में तो बच्चे तो पहले से सलवा जुड़ुम के समय देख चुके थे घरों को आग लगाते हुए अपने माता पिता को चुके थे तो सारे बच्चे बग गए मैं जेल पहुंचने के बावजूद भी बार बार मैं ये संदेश भेजने की कोशिश की कि वो बच्चे गांव छोड़ स्कूल छोड़ के चले गए उनके वापस ला उनकी शिक्षा दिया जाए दिया जाए लेकिन नहीं सरकार ने कभी उन बच्चों को जाके देखने की कोशिश नहीं किया ना कोई कलेक्टर ने नहीं किया ना किसी भी प्रकार का अधिकारी जहाँ हम पढ़ा रहे थे उस आश्रम में कभी नहीं गए तो वह दो बच्चे से मात्र रह गए कितना सत्रह बच्चे सारे बच्चे बग गए पर वो जो बच्चे पचास बच्चे की जो बातें कह रहे वो बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण थे इसलिए कि वाकई उनके पास कुछ भी नहीं था जब मैं जेल से रिहा हुई तब हम बच्चे ने हमसे ये ये संदेश हम पे भेजा हमारी मैडम जी को बता दीजिए क्योंकि हम आप माओवादी बन गए हैं अब बताइए कितनी दुख की बात है वो ये कह रहे हैं कि आज तक मैंने भी नहीं मिला आज मेरी तलाश है उन बच्चों को अगर वो बच्चों को किसी दिन अगर मेरे आमने सामने मैं देख लूँ जिन बच्चों को मैं कलम देने की वादा करके लाई थी वो बच्चों को आज अत्यार देखूंगी तो बताइए मुझे कैसे महसूस हुआ आप सब सोचिए इसकी गुनहगार या इसकी कौन है इनकी जिम्मेदार उन बच्चों को आज वो बच्चे माओवादी और हथियार पकड़ के उस जगह पर अपने आप का पना लिए उनके शरणों में चले गए तो कहीं ना कहीं हमारी देश की ऐसी व्यवस्था की कमजोरी के कारण वो बच्चे आज माओवादी बने और वो हमसे ये संदेशा भेजते हैं कि उन्हें बता दो हमारे टीचर को कि हमने आज बंदूक पकड़ ली कहीं ना कहीं मेरे तीन बच्चे हैं मेरे बच्चे को तो शिक्षा बच गई मेरे बच्चे भी कभी कोई बच्चे मेरा बड़ी बेटी अलग जगह पर रहने लगी एक साथ कोई परिवार नहीं मिला मेरे तीनों बच्चों को रखने के लिए तो बेटा कभी हॉस्टल में रह गया के और छोटी बेटी कई और रिश्तेदार में रही पर वो बच्चे की शिक्षा तो किसी न किसी तरह बच गई लोगों ने बचाया पर उन बच्चों का शिक्षा नहीं बचा पाए तो मुझे कितनी दुख